और ब्रेक के बाद आइए एक बार फिर से हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड वासी एकता मंच द्वारा 21 जनवरी को गोपाल मैदान में विशाल टूसू मेले का आयोजन होगा। झारखंड वासी एकता मंच के बैनर पर आगामी 21 जनवरी को विशाल टूसू मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य के बाहर से भी बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। मेले में टूसू प्रतिमा और चौरल प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है। उक्त जानकारी सोमवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सांसद एवं मंच के संयोजक विद्युत वरण महतो, मुख्य आयोजक आस्तिक महतो और विधायक सह संयोजक साधु चरण महतो ने दी। इसीलिए जागरण भी करते हैं और 3-4 दिन जागरण के बाद इनको हम लोग नदी उस जगह में जहां मेला लगते हैं सार्वजनिक रूप को नाचते गाते ले जाते हैं और जागरण के माध्यम से लोग यही प्रार्थना करते हैं इस बार जैसे सच या धान हर एक चीज जो हमें मिला है वो अगले साल और बेहतर हो, ताकि इसी तरह सभी का घर के आंगन में गुजिया बना रहे और अकाल का छाया ना पड़े। तो चोड़ल भी है और एक बात आपने कहा कि ट्रैफिक का बात है, तो अभी हम लोग SSP जितने भी वरीय पदाधिकारी DC इसको से लेकर सारे लोग को पत्राचार करते हैं, आग्रह किए हैं उस दिन जो है मूर्ति लाने वाले को रोका ना जाए और एक दिन पर्व है जिसमें उपायुक्त ने बड़ा खुशी जाहिर की है और SP साहब की बोला हम तो सुने हैं कि और भीड़ लगता है 2 घंटा रुकता है फिर ऑटोमेटिक चला जाता है, ज्यादा सिक्योरिटी का भी दरकार नहीं होता, अपने आप तो चला जाता है। मानगोर शांति समिति द्वारा सोमवार को SDO को ज्ञापन सौंप कर जाम की समस्या से निजात दिलाने समेत अन्य मांगे की है। मानगोर शांति समिति के सचिव KN ठाकुर ने कहा कि मानगोर क्षेत्र में ढेरों समस्याएं हैं, जिसमें जाम की समस्या प्रमुख है, जिससे लोगों को आवागमन की बहुत तकलीफ हो रही है। मानगोर शांति समिति और केंद्रीय शांति समिति की ओर से नई घटना हुई जिसकी जानकारी पहले के SDO साहब को उन्होंने दिया था कि जो दोषी व्यक्ति है उन पर कार्रवाई हो और जिनका नुकसान हुआ है उनकी भरपाई कैसे हो उनकी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जाए सरकार के द्वारा। अब जाम की समस्या है वहाँ हम लोग SDO साहब का आग्रह करेंगे कि उस अवरूपता को हटा करके और लोगों को आवागमन असुविधा नहीं हो उसकी व्यवस्था हो। एक्सलोराई प्रेक्षागृह में मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने लौह नगर वासियों को खूब लोटपोट किया। उन्हें सुनने व देखने बड़ी संख्या में लोग प्रेक्षागृह में मौजूद थे। जूते पड़ गए, होली जैसे बाल गजनी हो गए। बजट के हिसाब से क्या करते थे साजना हमसे दूर रह के, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, शास्त्री की मार्केट में गेस क्या करते थे साक्षी की मार्केट में, क्या करते थे साजना हमसे दूर रह के, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, साक्षी की मार्केट में चट्टियां बेचा करते थे। बत्तियां लगा लो छोटी छोटी दिवाली वाली, वो गया बिजली वाले को ले आया पूरी झालर लटकवा दी। अब दूल्हा जहां जहां जा रहा है लोग चौंधिया रही हैं। हमने कह रहे आइडिया नया लाया बच्चा, लेकिन दूल्हे को करंट कौन दे रहा है। बारात में देखा सबसे पीछे अंधेरे में जीजा जी चल रहे हैं सर पे बैटरी लिए, वो भी एक हो गई आधी रात। तू बता इतनी देर से रुकी क्यों, और इस टाइम पे वो जाने देगा, गाने ही गलत है,
आप लोग गलत ना समझें, आधी रात के बाद क्या है, रिक्शे नहीं मिलते। प्रजापति ब्रह्मा बाबा की पुण्यतिथि दिवस के मौके पर कदमा सेवा केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में उनके अनुयायियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में दूर दराज से आए ब्रह्मा बाबा के अनुयायियों ने भाग लिया एवं पूजा अर्चना व प्रार्थना की। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी अंजू बहन ने पुष्पांजलि अर्पित की, साथ ही लोगों के बीच प्रसाद का वितरण भी किया गया। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के 47वां स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, जिसको हम लोग विश्व शांति दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो आज उनकी शिक्षाओं को, प्रेरणाओं को याद कर रहे हैं। कहां-कहां से लोग आए हैं? आज कदमा और उसके आसपास के एरिया से आए हैं, क्योंकि जमशेदपुर में विभिन्न सेवा केंद्र है हमारे, हर सेवा केंद्रों पर ये कार्यक्रम चल रहा है आज विश्व शांति दिवस के रूप में, और कल मेरिन ड्राइव में भी हमारा विस्तार से कार्यक्रम है। ये श्रद्धांजलि के तौर पर, श्रद्धांजलि तो सच्चे फूलों से ही होती है, क्योंकि हमें फूलों के समान बनना है। हर फूलों की अलग अलग विशेषता होती है, जैसे गेंदा का फूल है वो सुगंध भी देता है, रंगीन भी है, और साथ साथ वो सूखने के बाद भी उसमें मेडिसिनल वैल्यू भी है। उसी प्रकार गुलाब है जो कांटों में भी खिलता है, उसी प्रकार से बेली है जो छोटा होते हुए भी बहुत सुगंध देता है। हर फूलों की अपनी विशेषता है, फूल किसी को दुख नहीं देते हैं, तो हमें भी दूसरों को सुखदायी बनना है, क्योंकि हम सुख के सागर पिता के बच्चे हैं। और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने भी जन कल्याण के लिए ही अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आज के दिन हम सभी ये प्रेरणा लें कि हमें भी मानवता की सच्ची सेवा करनी है। चर्च स्कूल बेलडी में ग्रेजुएशन नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें पास आउट बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। चर्च स्कूल बेलडी में आयोजित ग्रेजुएशन नाइट विदाई समारोह में गीत भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में शिक्षकों ने सत्र की उपलब्धियों की चर्चा की, साथ ही पास आउट बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना भी की गई। Their children as our children, but they are living here as adults. They have completed a basic education that will serve as a platform they will use to launch themselves into the future. It is a journey of almost 14 years of journey. You recall the days when you have come with your child, I think most probably 2002 or 2003. जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कदमा केरला पब्लिक स्कूल का वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने विभिन्न स्पर्धाओं में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। एनुअल स्पोर्ट्स मीट है, हमारे साथ चीफ गेस्ट एंड डायरेक्टर प्रेरणा क्लासेस मिस्टर प्रमोद दुबे, और करीबन 1000 बच्चों का पार्टिसिपेशन है। डिफरेंट इवेंट्स हैं, शुरुआत हुआ आज बच्चों का प्राइमरी लेवल का ब्राइट रूम रेस, और अभी 400 रिले हुआ है। वी आर गोइंग टू गो ऑन टिल 1:30। इट इज बेसिकली टू मोटिवेट ऑल द चिल्ड्रन, इंस्पायर देम एंड टेल देम दैट स्पोर्ट्स इज अ वे ऑफ लाइफ एंड इट्स ऑल अबाउट हेल्दी कॉम्पिटिशन।